ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 28 मई 2019 मंगलवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र एवं कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि वृषभ राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह मिथुन राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ इन 6 राशि वालों को होगा डबल फायदा। इनके लिए दिन सबसे भाग्यशाली साबित होगा। ये 6 राशियां लकी राशियां रहने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल एवं उनके द्वारा जो उपाय करना है वो हम आपको बताएंगे। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेगी। आपको थोड़ी सुस्ती भी महसूस होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से फायदा होगा। बिजनेस की शुरुआत थोड़ी सुस्त रहेगी लेकिन धीरे धीरे कामकाज में गति आएगी। संतान के कामकाज पर आपको नजर रखनी चाहिए, संतान को समय देना पड़ सकता है। बड़े सपने देखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उच्च और बौद्धिक वर्ग में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में यदि लाल रंग की चूड़ियां आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। बिगड़े हुए काम और स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, नए संबंधों से फायदा होगा, दोस्तों से मदद मिलेगी। कामकाज और उसके लिए जरूरी लोगों को समझे। कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है। प्रेमी या किसी करीबी दोस्त के साथ आपकी बोलचाल लगभग बंद थी तो वो शुरू हो जाएगी। राजनीतिक और सामाजिक कामों में सफलता मिलने का योग है। बिजनेस के मामलों में दिन अच्छा रहेगा। नौकरी और कार्यक्षेत्र में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। लोगों से काम करवाने के लिए व्यावहारिक तौर पर सावधान रहे। परिवार के मामलों की अनदेखी न करें। पैसों की चिंता दिन भर रहेगी। नौकरी या बिजनेस में थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप चावल का दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो जल्द ही सफल हो जाएंगे। ऑफिस के कुछ काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन कार्यों में बदलाव करना पड़ेगा। बिजनेस करने वालों को जितना काम मिलता जाए उतना ही स्वीकार करते जाए, एक एक करके सारे काम निपटाते जाए। नए काम की योजना बनेगी। किसी तरह का निवेश करने के पहले ठीक प्रकार से चेक कर ले। मेहनत का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आने वाले दिनों में फायदा होने का योग है। आपकी कामकाज की क्षमता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। और उपाय के रूप में यदि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को प्रणाम करके या नमस्कार करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी व्यवहारिकता या भावुकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। अपनी सभी योजनाएं और विचार अच्छी प्रकार से दूसरों को समझा कर ही आगे बढ़े। आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा। पुरानी समस्या का कोई नया समाधान आपको मिल सकता है। ऑफिस के अधूरे काम निपटाने के लिए दिन ठीक नहीं है और घूमने फिरने जाने का आपका मन बनेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बिजनेस और नौकरी में आपका महत्व बढ़ने वाला है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि तुलसी का पौधा आप दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही आप सफल रहेंगे। परिवार को लेकर के ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। परिवार की कोई पुरानी अनबन समाप्त हो जाएगी। लचीले व्यवहार के दम पर
साथ काम करने वालों के साथ समझौता हो सकता है। ऑफिस के काम ज्यादा रहेंगे, सेहत पर ध्यान देना चाहिए, दोस्तों और भाइयों के साथ समय व्यतीत होगा, आपकी परेशानी ज्यादा नहीं रहेगी। आलस से छोड़ करके सभी काम आपको करना चाहिए। कोशिश और दूरदर्शिता से आपको मदद मिलने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि कोई भी सुगंधित तेल का उपयोग आप करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। धन लाभ का योग है। महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात या फोन पर बातचीत होगी। बातचीत इंटरव्यू या सौदेबाजी के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों और साथियों के दम पर आपके ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। कुछ जिम्मेदारियां आप अगले दिन के लिए टाल सकते हैं। पुराने और बड़े लोगों से मुलाकात का योग है। अधूरे काम पूरे होने की संभावना है। भूमि भवन या वाहन में लेन देन में आपकी रुचि बढ़ेगी। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना आपके सामने आ सकती है। और उपाय के रूप में लाल कपड़े में मसूर की दाल रख करके यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। बिजनेस करने वालों को अच्छी प्लानिंग से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। कामकाज में जितनी मेहनत करेंगे उतनी तारीफ और सम्मान आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ रखें, इससे आपको ही फायदा होगा। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि नौकरी और निजी जीवन के मामलों में आप जो भी फैसला करेंगे उसका असर लंबे समय तक आपके ऊपर होगा। दोस्त आपसे प्रभावित होंगे। जीवन साथी से आप जो है अच्छी प्रकार से पेश आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में बेसन की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप कामकाज निपटाने में बहुत ज्यादा जो है भावुक होंगे और तैयार रहेंगे। मन पर कंट्रोल रखें क्योंकि एनर्जी बहुत रहेगी। मेहनत का पूरा परिणाम आपके पक्ष में होगा। किसी कार्य के लिए थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। खुद पर ध्यान दें और आपको लोगों से मिलते समय कोई ऐसी बात नहीं कहना है जिससे उनको बुरा लग जाए। बोलते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। यात्रा का योग बन रहा है। पुराने मामलों को लेकर यात्रा हो सकती है। आप किसी काम में ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे। अधिकारियों से भी कामकाज में सहयोग मिलेगा। कुछ मामलों में आप मायूस हो सकते हैं, थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। किसी कारण से या बेवजह भी आप उदास हो सकते हैं। किसी की अनदेखी का शिकार भी हो सकते हैं। जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। कामकाज के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप अपने छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालेंगे और उनके निमित्त पानी भर करके रख देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर काम आपके निपट जाएंगे। काम पर बार बार विचार करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग नई योजना बना सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दोस्तों और परिवार वालों की मदद भी प्राप्त होगी। उनको सम्मान भी आपको देना चाहिए। किसी दोस्त को उपहार भी आप दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करें। दोस्तों की मदद से कुछ जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कोई बात या सूचना आपको हैरान भी कर सकती है। बहस करने से आपको बचना चाहिए। परिवार की खुशी के लिए कुछ इच्छाएं भी आपको मारनी पड़ेगी। फालतू काम और बातचीत में समय खराब होने का योग है। खर्चा ज्यादा होने का योग है। मानसिक और शारीरिक थकान आपको मायूस कर देगी। और उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में पीले रंग का फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। ऑफिस में साथ काम करने वाले और बड़े लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत होने का योग है। इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी। कुछ नया भी आप सीख सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने का योग है। आपके विचारों को महत्व दिया जा सकता है। कोई दोस्त या साथ काम करने वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है। खास लोगों से मुलाकात होने का योग है। आप काफी व्यस्त रहेंगे। पुरानी बातें भी आपको याद आएगी। अच्छा और मीठा बोलकर अपने सभी काम आप पूरे करवा सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप पानी में मछलियों के निमित्त आटे की गोलियां बनाकर डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। हर काम को धैर्य और समझदारी से निपटाने का प्रयास करें।
रोजगार की तलाश आपको रहेगी और तकनीकी क्षेत्र में आपको अच्छा सा काम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सुधार होगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा, सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे, लोगों की नजर आपके ऊपर रहेगी, जमीन जायदाद स्थायी संपत्ति में आपकी रुचि बढ़ेगी, अटके हुए काम आपके पूरे होंगे, सभी परेशानियों से निपटने का समाधान भी आपको प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गाय को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कुछ नए अनुभव के लिए तैयार रहे, इससे आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। घर के कुछ काम आज फोन पर आप निपटा सकते हैं। बहुत से मामलों में दिन आपके फेवर में रहेगा। बिजनेस बढ़ाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में दिन आपको सफलतादायक सिद्ध होगा। पार्टनरशिप के कारण जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कई तरह के विचार आपके दिमाग में रहेंगे, सोचे हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। आपकी कोई बात दूसरों का दिल भी दुखा सकती है। साथ ही अचानक खर्चे बढ़ने का योग है। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। स्वार्थपूर्ण बातों के कारण कुछ संबंधों में बदलाव का योग है। बिना जानकारी के कोई बात न कहे, जो भी बोले सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। और उपाय के रूप में गाय को हरी सब्जी खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।